सीएम निवास आपको पहुंचना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है और समर्थन की बात है तो अपना तो समर्थन पहले से ही बिना शर्त माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार को दे रखा है और उसी पे आज चर्चा हुई है। लोकसभा के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। आगे की जो रणनीति है जो बातचीत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय या हरियाणा सरकार तय करेगी। अभी दोबारा भी बुलाया है क्या आपको? दोबारा कोई मुलाकात है विधायक दल की बैठक में? दोबारा का अभी हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, बस सुबह सुबह याद किया। क्या मंथन क्या हुआ अंदर, किस तरीके की बातचीत हुई है, जनता को लेकर कोई बातचीत हुई है? देखिए अभी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है, बस यही हमसे पूछा गया कि क्या आप सरकार के साथ खड़े हो, तो हमने एक बात कही कि निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ। आपकी क्या राय है कि बीजेपी को अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए जिस तरीके से? निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश जिस तरीके से तरक्की और उन्नति कर रहा है, 10 सीटें हमारे हरियाणा प्रदेश की हैं, 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को लड़ना चाहिए और इसके यशस्वी और तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है ना हाथ मजबूत करने चाहिए। सीएम साहब जब आपसे पूछ रहे थे आप समर्थन में हैं तो क्या कुछ लग रहा था कि कोई नए समीकरण जसपा को छोड़ करके कुछ बनने वाले हैं, आपको क्या आभास हो रहा था? देखिए आभास तो किसी चीज का, क्योंकि सरकार के काम है क्या करना ना करना ये सरकार का विषय होता है, लेकिन आभास अगर मैं आभास की बात करूं तो निश्चित तौर पर जसपा से गठबंधन जो तोड़ने की कयावत है वो शुरू होगी और मेरे हिसाब से जल्दी इससे निजात मिल जाएगी।